हरि ओम। नमस्कार। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आत्मज्ञान के लिए क्या योग्यता चाहिए, कौन कौन सी शर्तें यदि हम पूरी करें तो हमें आत्मज्ञान हो सकता है। तो इसका उत्तर है, शास्त्रों में ही बताया है कि हमारे पास चार गुण होने चाहिए, उसको कहते हैं साधन चतुष्टय। जिस व्यक्ति के पास ये चार गुण होते हैं उसको कहा जाता है साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। किसी भी क्षेत्र में हमको यदि सफलता चाहिए तो वहाँ अधिकार लगता है। तो आत्मज्ञान के लिए चार गुण बताए गए हैं, चार प्रकार की योग्यता बताई गई है। पहला है कि उसमें विवेक होना चाहिए। विवेक हमारी बुद्धि की एक सामर्थ्य है। दो चार दस चीज़ों को जो अलग अलग करें, हमारे बुद्धि में पृथक्करण की एक सामर्थ्य है, एक क्षमता है, इसी को कहते हैं विवेक। डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग करने की क्षमता। जगत में हमारे सामने अनेक वस्तुएं आती हैं, उनको हमारी बुद्धि अलग अलग करती है। प्रायः हम लोग अनित्य अनित्य वस्तुओं का विवेक करते हैं, लेकिन वेदांत में जिस विवेक की जरूरत है उसको कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। मतलब अनित्य को नित्य से अलग करना। नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, नित्य वस्तु एक परमात्मा है, एक परम तत्व है। उसके अलावा जितनी वस्तुएं हैं वह सब मरने वाली है, बदलने वाली है, परिवर्तनशील है, लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो हमेशा एक रस है। तो जिस बुद्धि में ये पृथक करने की सामर्थ्य आ जाती है उसको कहते हैं ये विवेकी है। जैसे हंस को कहा जाता है कि वह नीर क्षीर विवेक करता है, दूध और पानी को अलग करता है। तो यह सामर्थ्य बढ़ानी चाहिए। जितना विवेक हमारा जागृत रहेगा उतना ही हम ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे। दूसरा गुण जो चाहिए उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है कि इस जगत के व परलोक के जितने भी भोग हैं, जितने भी विषय हैं, उनमें रस न होना, उसमें आनंद का अभाव देखना, सुख का अभाव देखना। वैराग्य के लिए कहा गया कि विषय में, वस्तु में न राग होना न द्वेष होना, राग द्वेष का अभाव। जब व्यक्ति विरक्त होता है तो उसका सुख वस्तु पर निर्भर नहीं होता, वह व्यक्ति सम बना रहता है विषयों में। अपने जीवन को भी देखें तो हमको भी अनेक वस्तुओं से वैराग्य हुआ है। बचपन में जिन खिलौने से हम खेलते थे अब उसमें न राग है न द्वेष है, उसमें हमारा सुख, उस पर सुख निर्भर नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचे सुख की ओर बढ़ता है निम्न सुख का स्वतः त्याग हो जाता है। तो ऐसी इस मन की स्थिति को वैराग्य कहते हैं, जब स्वतः ही यह विषय नीरस लगने लगे और उच्च विषय,
सात्विक विषय परमतत्व भगवान सुंदर ग्रंथ इनमें रति बढ़े तो भले यह वैराग्य का लक्षण है। तो इस तरह यहाँ दो अति महत्वपूर्ण गुण हैं। अन्य दो और गुण हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। वह दो गुण हैं शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान। इसको कहते हैं शमादि षट संपत्ति। यह एक ग्रुप है, एक पूरा गुणों का समूह है, इसको षट संपत्ति कहते हैं। और अंतिम जो गुण है जिसकी आवश्यकता है आत्मज्ञान के लिए वह है मुमुक्षुत्व। उसको हम आगे देखेंगे। हरिओम।